हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे लास्ट टाइम जो उत्तपम बनाए थे उसका बैटर थोड़ा सा बचा था, तो मौसमी को ब्रेकफास्ट में अप्पम बना के दे दिया, तो उसी की तैयारी हो रही है। और आज हम लोग का इंडिया जाने का फाइनल हो गया। कितने टाइम से कर रहे थे जाना है नहीं जाना है। एक्चुअली जाना था, मैं तो जाने ही वाली थी, बुक नहीं कराई थी अभी टिकट, लेकिन इन दोनों का कुछ छुट्टियों का इधर उधर हो रहा था, अप्रूवल होता तो ये दोनों आने वाले थे, अदरवाइज़ मैं अकेले जाने वाली थी। मेरे भतीजे की शादी है उसमें, लेकिन इन दोनों भी अब आ रहे हैं, उनका भी अप्रूवल हो गया है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं इंडिया। जब भी इंडिया जाता है ना, जाना होता है, तो मैं बड़ी खुश होती है। हालांकि अभी तो एक ही साल हुआ है इस बार, तो पहले तो 4-5 साल में जाना होता था, अब तो बैक टू बैक हो रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स से, जब से मौसमी बड़ी हो गई है ना। मौसमी छोटी थी तो फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं ऐसे निकल पड़ते थे ना, लेकिन अब तो सारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़े से हट गए हैं, तो अब जाना हो जाता है। एनीवे, यहाँ पे मैंने अनियन कैरेट कट कर लिया है, बीट अभी मेरे पास नहीं था, अदरवाइज वो भी डाल सकते हैं, कैबेज नहीं था वो भी डाल सकते हैं। अप्पम में बहुत अच्छा एक क्रंच देता है। नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली। बस चलिए इसको बनाते बनाते अब यहाँ पे मैं CMV वायरस का आपको अपडेट देती हूँ। लास्ट टाइम जो वीडियो में बताया था ना कि भी वो कुछ रीज़न से मुझे हो गया था, तो कई कमेंट मुझे आए यहाँ पे। एक्चुअली ना इंस्टा पे ज़्यादा मुझे रिसीव होते हैं, कोई भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना उससे रिलेटेड मुझे वहाँ ज़्यादा रिसीव होते हैं कि प्लीज़ उसका मुझे अपडेट हमें दो। तो अपडेट में तो ये है कि देखो, ये एक इस टाइप का वायरस है ना कि जिसकी इम्यून सिस्टम वीक हो उसे जल्दी से इफ़ेक्ट करता है, न्यू बॉर्न बेबी हो उसको करता है, प्रेग्नेंट लेडी हो उसे करता है, बहुत सारे लोगों को इस तरह के, क्योंकि उस समय इस सिचुएशन में इम्यून सिस्टम वीक होती है। एनीवे, यहाँ पे इंडिया जा रहे हैं ना, तो उसके लिए नेल पॉलिश, ये पुरानी वीडियो है, पहले की जो बताई अप्पम वाली वो रिसेंटली है, उसके बाद की ये सारी वीडियो पुरानी वाली है, मेरे पास पड़ी थी तो वही मैं अब डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंडिया जाने की तैयारी में ना मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया इस वीक, कुछ भी नहीं किया। बस ये नेल पॉलिश वगैरह लेके आए थे इंडिया के लिए। बहुत से डबल कलर हैं, कुछ हम लोग रखेंगे और कुछ इंडिया के लिए ले जाएंगे, वही यहाँ सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हाँ, यस, मुझे हो गया था, जैसे मैंने कहा हम लोग के डाउन साइड जब आया उसी समय, जब कहते हैं ना कि जब आपकी उठती हो तब कुछ नहीं होता, लेकिन पड़ती हो तब चारों तरफ से अच्छे से आ जाती है, तो मेरा भी यही सिचुएशन था। पता नहीं मुझे किस तरह से कैसे हो गया। सबसे पहले तो ये होता है, सलाइवा से होता है, हमारे ब्लड थ्रू होता है, यूरिन थ्रू होता है, और इम्यून वीक हो उससे बहुत सारी चीज़ों इस रीजंस की वजह से ये CMV वायरस होता है। वायरस वो है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ वायरस होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन में वो एक्टिव हो जाते हैं किसी भी टाइम, हमें पता नहीं चलता उसका, कितना भी हम ध्यान रखें ये हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि मैं कहती हूँ कि हाइजीन मोस्ट है, लेकिन मैं जो एटमॉस्फेयर में जॉब कर रही थी वहाँ हाइजीन का नामो निशान कुछ भी नहीं था, तो मेरे हाथ में वहाँ था ही नहीं कि मैं कोई हाइजीन मेंटेन करूँ। जितना हो सके मैं अगर मुंह के अंदर कुछ डाल रही हूँ वो मेरे हाथ में था कि वो मैं हैंड वॉश करके खाऊं पीऊं या फिर भूखी रहूं, ये मेरे पास ऑप्शन था, अदरवाइज़ बाथरूम का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आप सबको पता है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो, वाटर इनटेक मस्ट है, और वाटर इनटेक हम जितना ज़्यादा करेंगे बाथरूम ऑब्वियस है यूज़ करना ही पड़ेगा, वो भी अगर वर्किंग प्लेस में आप 12 से 15 घंटे या फिर 8 घंटे जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उतने देर तो आप बाथरूम होल्ड नहीं कर सकते, जाना ही जाना पड़ेगा। ये भी एक रीज़न था, मेरे डॉक्टर ने जो कहा कि मस्ट भी शायद उससे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई छोटी बेबी तो थी नहीं कि जो मैं सलाइवा से या किसी, और मैं फूड शेयर करती नहीं हूँ किसी के भी साथ में, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ, नॉट इवन मौसमी के साथ, तो वो होना पॉसिबल नहीं था। और ज़्यादातर तो मैं हैंड वॉश में घर पे भी अगर रहती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा करती रहती हूँ, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। इवन दो वर्क प्लेस में भी मैं हैंड वॉश के बिना कुछ भी खाना पीना, जैसे मैंने कहा मेडिसिंस भी मैं इस तरह से लेके जाती थी कि मुझे हैंड टच ना करना पड़े, बस सीधा ले लूँ डायरेक्ट मुँह में डाल दूँ।
सो बहुत सारे ध्यान रखने के बाद भी अगर ये हो रहा है, तो डॉक्टर का कहना था कि शायद बाथरूम पब्लिक रेस्टरूम की वजह से हो सकता है ये। तो जितना मुझे, सच बताऊं, जितनी किडनी ने मुझे परेशान नहीं किया होगा ना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, ये CMV वायरस मुझे सच में ले डूबा। सच में मेरी बॉडी इतनी वीक कर दी है उससे। सबसे पहले तो ना इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा थकान। अब 12-15 घंटा मैं काम कर रही हूँ, आके ना मेरे पैर इतने दर्द करते थे, ऐसा लगता था कि मैं दूसरे दिन जॉब पे जा ही नहीं सकूँगी। और सुबह उठो तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता था, लेकिन फिर भी वही 2 घंटे अगर मैं खड़ी रहूँ ना, और फिर वही हालत मेरी। मेरा दिल जानता है मैंने 4 साल उस कैसे निकाले, 4 या 5 साल इस CMV के साथ। सच बताऊँ बहुत बुरी हालत थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, इतनी वीकनेस ना, थकान लगना बस यही है था, और आईज़ में ना ब्लर हो जाना, वो ये सबसे बड़ी दिक्कत। कभी भी मुझे, मेरी आई इतनी स्ट्रांग थी, इवन तो आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद भी इतने सालों तक मेरी आईज़ में ना चश्मा ना कुछ भी नहीं, बहुत स्ट्रांग आईज़ थी मेरी। वो एकदम से वीक हो जाना, ब्लरी लगना, सो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई मुझे। अब इसमें से निकलूँ कैसे, कोई कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की थी वही मुझे लेनी थी। इन बिटवीन मुझे इंडिया जाना हुआ, तो इंडिया मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया कि शायद कुछ उससे हो सके, तो उन्होंने तो बहुत सारी मेडिसिन दी और कहा कि अगर ये मेडिसिन लोगे तो आपका क्योर हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा। या वहाँ के मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, एलोपैथी डॉक्टर के साथ, कि भी इसका कोई सल्यूशन हो, कोई रास्ता हो, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, CMV नहीं जाएगा बॉडी से। सब ने हाथ खड़े कर दिए। फिर आई डोंट नो, मुझे ऐसे सर्चिंग की बहुत ही ज़्यादा हैबिट है ना, कि मैं और होम रेमेडीज़ ज़्यादा मानती हूँ। मुझे नहीं पता ये इससे फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ, इसकी वजह से CMV गया मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैंने लिया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने हनी एंड सिनेमन पाउडर दोनों मिक्स करके मॉर्निंग में अर्ली उठ के लेना स्टार्ट किया। अब ये मैंने कहीं रीड किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, किसी ने कहा तो नहीं था, क्योंकि मेरे सराउंडिंग कोई CMV वाला था ही नहीं, तो कोई मुझे सजेस्ट कर सके। सो जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन में बहुत डिगिंग करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जब भी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो कहीं पे मुझे आयुर्वेदिक के टिप्स मिल गई कि सिनेमन एंड हनी को अगर चाटते हो उसको मिक्स करके, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यून तो डेफिनेटली अप होती है। तो एक तो डर था कि अगर मेरी इम्यून बूस्ट हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, इम्यून बूस्ट होगी तो या CMV शायद मेरा चला जाए, लेकिन मे बी सम अदर प्रॉब्लम भी आ सकती थी मेरे साथ, और शायद वो आई भी प्रॉब्लम। CMV तो चला गया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आई, क्या आई वो भी मैं आप लोगों के साथ एक आध वीडियो में शेयर करूँगी। वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, डेफिनेटली यू हैव टू बी मस्ट नो दैट। क्योंकि मैंने गलती की और नहीं की, गलती जानबूझ के की है कि भाई मुझे CMV से छुटकारा चाहिए था। बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि काम भी करना था, थकान भी इतनी, आँख की प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल हो गई। सच बताओ मेरा फेस इतना ब्राइट था, इतनी स्किन मेरी ब्राइट थी, कभी ना ही मुझे एक स्मॉल पिंपल्स हुआ है। हाँ, जब मैं अनमेरिड थी तब पिंपल्स होते थे बहुत कम, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल मेरा मेरा कहते हैं ना, वो क्रिस्टल क्लियर वाली स्किन थी, और एकदम ग्लोई वाली, ग्लोइंग ग्लोइंग करती रहती थी। मेरी मौसमी कई बार बोलती थी कि मम्मी तुम कुछ भी नहीं, और मैं कोई फेस वॉश कुछ भी नहीं यूज़ करती थी, फिर भी मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी थी। और जैसे ही ये CMV हुआ और उसकी मेडिसिन स्टार्ट की, वो मेडिसिन की वजह से पूरा तुम्हारा, हमारा ना हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से मुझे पिगमेंटेशन आ गए फेस के ऊपर, और फेस एकदम से डल डल लगना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। कहते हैं ना कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे किडनी ने जितना परेशान नहीं किया ना, इतना ये CMV और दूसरा एक जो मुझे सिंगल्स हुए थे, ये दोनों मेरी लाइफ में कहते हैं सबसे बड़ा डाउनफॉल था मेरे लिए। लेकिन किसी तरह से मैं इसमें से निकली हूँ, और अब भी जो भी मुझे इंस्टा पे, बीच में भी काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक तो 2-3 महीने हो गए होंगे, किसी को CMV था, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि दीदी मुझे CMV हो गया है, इससे कैसे निकलूँ। अब मैं उसको, उनको क्या आंसर दूँ कि कैसे निकलूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें से सफ़र करके आई हूँ ना।
और मैं ये भी नहीं कह सकती कि भी मैंने ये मेडिसिन की आप भी करो, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। यहाँ मैं अगेन आपसे रिपीट करूँगी कि जो मैंने किया वो आप मत करो, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है और हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। वो मैंने पे किया है इस चीज़ का, तो बिल्कुल भी आप मत ट्राई करना जो मैंने कहा हनी एंड सिनेमन का। और अगर आप कर रहे हो तो फिर इसके लिए रेडी रहना आगे, एकदम से इम्यून बूस्ट हो जाएगी तो आई डोंट नो क्या हो सकता है। मैंने बहुत बड़ा इसका वो क्या हर्जाना भुगता है। तो यहाँ पे आज मशरूम करी बन रही है, तो बस मैं इसकी रेसिपी भी शेयर नहीं करूँगी, आप कहोगे तो मीन्स कर दूँगी दूसरी वीडियो में, अदरवाइज़ फिर ना बातें रह जाती हैं। तो हाँ, CMV में इस तरह का हो गया ना कि भाई बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो मैं और आपको क्या कहूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है। जिसको भी है वो प्लीज़ ध्यान रखें, मेडिसिन टाइम टू टाइम ले, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आई नो उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जितनी CMV से हमें तकलीफ़ होती है ना उससे ज़्यादा वो मेडिसिन से हो रही है, लेकिन हमें लेना ही लेना है, क्या करें, उसके बिना हम नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपके सराउंडिंग किसी को हुआ है सजेशन लीजिए। आप तो इंडिया में अगर हो, पाकिस्तान में हो, अब्रॉड कंट्री से हट के हो कि जहाँ आयुर्वेदिक ज़्यादा पॉपुलर है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए हो सके तो। आई डोंट नो किस तरह से वर्क करता है। मेरे में जैसे मैंने कहा, आयुर्वेदिक ने बहुत सारी दवाएं मुझे दी थी, लेकिन मैं फिर थोड़ा डरती भी थी कि इस तरह से नहीं ले सकती, क्योंकि सब अभी भी लास्ट टाइम मैं रिसेंटली जो इंडिया गई ना 1 ईयर पहले, तो उस समय भी मैंने किसके लिए पूछा था, आयुर्वेदिक पे गई थी मैं, हाँ मुझे बेल्स पाल्जी हुआ है ना, उसके लिए मैंने आयुर्वेदिक में कंसल्ट किया। और हमारे एक जानने वाली है, उनकी वाइफ भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया कि अगर इसका कोई सोल्यूशन आयुर्वेदिक में हो, तो उन्होंने कहा हाँ ऑयल वगैरह है, नहीं ऑयल उनका उन्होंने मुझे बाद में सजेस्ट किया, लेकिन कुछ पिल्स वगैरह मुझे काफ़ी सारी उन्होंने प्रोवाइड की। तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर ये मैं पिल्स लूँगी तो मेरी इम्यून सिस्टम तो एकदम से बूस्ट हो जाएगी ना, तो बोली हाँ वो हो जाएगी। तो फिर मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मेरी किडनी प्रॉब्लम है और इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन जो मैं लेती हूँ उसके साथ तो ये मैं नहीं ले सकती। तो फिर वो थोड़े से सोच में पड़ गए, तो मुझे वही डाउट हुआ कि यार अगर इनको ये भी नहीं पता है कि किडनी के साथ हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो फिर ये तो सेफ़ नहीं है हमारे लिए। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला नहीं मुझे ना इनटेक वाली मत दीजिए, जो भी माउथ से मेडिसिन है वो नहीं चाहिए, रबिंग कुछ भी हो तो वो मुझे दीजिए आउटर। तो उन्होंने ऑयल मुझे दिया, हालांकि उससे कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन हाँ मैं यहाँ नहीं आयुर्वेदिक को कोई डिग्रेड नहीं कर रही हूँ कि वो वर्क नहीं करता, वर्क आयुर्वेदिक मेरा मानना है कि अगर आपको स्टार्टिंग के फेज में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो 100% वर्क करता है, लेकिन अगर एक बार आप उनमें जूझ गए ना, फिर उसे निकालना आयुर्वेदिक से बहुत हार्ड है, मैं सच बता रही हूँ। फिर आप उस पर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अब जो भी प्रॉब्लम है ना उससे और भी ज़्यादा बढ़ के हो जाएगी बॉडी में। सो जो भी डायलिसिस पे है, कई बार लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डायलिसिस में क्या आयुर्वेदिक हम करेंगे तो हमारी किडनी वापस आ जाएगी, अगर स्टार्टिंग में है बिल्कुल भी एकदम स्टार्टिंग में तो शायद वो हो सके, शायद, ओके आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन बहुत ही सीवियर केस हो गया है डायलिसिस पे अगर आप हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी आपकी किडनी बैक, वो होप आप छोड़ ही दीजिए, सच बता रही हूँ मैं, मत टाइम वेस्ट कीजिए आप उसमें अपना। तो यहाँ पे मशरूम करी बना रही हूँ जैसे मैंने कहा, सो बस बन के रेडी है। काजू बाजू का जो ही पेस्ट डालना, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो हमारे बेसिक जो होते हैं करी में वही डालना, कोई स्पेशल नहीं है इसमें। तो बस हाँ, CMV में ये मेन है, अगर आप वर्किंग हो, पब्लिक रेस्टरूम यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट नो किस तरह से आप वहाँ हाइजीन का मेंटेन कर सकते हो, लेकिन करिए जितना हो सके उतना। आई डोंट नो मैं आपको कैसे कहूँ, क्योंकि मेरी भी वही सिचुएशन थी कि मैं नहीं कर पा रही थी ना, क्योंकि किस तरह से हम वहाँ मेंटेन करें, सभी यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करना ही पड़ता है एक ही रेस्टरूम ना सबको, तो यस ये प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी तो कमेंट करना, कुछ भूल रही हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जो जिस प्रॉब्लम से मैं निकली हूँ, किस तरह से निकली हूँ और कि जो भी हो उसका सही रिव्यू मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। कोई ना ही आपके होप हाई करना चाहती हूँ और ना ही आपको क्या बोलते हैं कि डिमोटिवेट करना चाहती हूँ, जो है वो आपके साथ रखना चाहती हूँ मैं। तो
सो ये रही मेरी सीएमवी की जर्नी। और अब आते हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मेरी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम थी वो शेयर की थी। सो बहुत सारे उसके भी डीएम आए हैं मुझे इंस्टा पे, और यहाँ भी दो तीन कमेंट रिसीव हुए कि प्लीज़ आप अपनी जो भी वो सिचुएशन थी शेयर कीजिए। सच बताऊँ उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए वो शेयर करने के लिए। सो थोड़ी सी मुझे अपने आप में हिम्मत लाने दीजिए, करूँगी। मैं पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी यहाँ नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन ये भी एक है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है शायद उससे आपको मोटिवेट मिल सके कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए मुझे टाइम दे दीजिए। सो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। टेक केयर एंड बाय बाय।